नमो नमः बच्चों, आज हम श्रेय मुशी प्रथमो भाग नवम कक्षाय संस्कृत पाठ पुस्तक के अंतर्गत पाठों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए तो आइए पढ़ते हैं पाठ श्रेय मुशी के अंतर्गत तृतीय पाठ। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्रेय मुशी के तृतीय पाठ को पढ़ेंगे, तो जो आज श्रेय मुशी का तृतीय पाठ है वो है गोदोहनम। गोदोहनम का मतलब होता है गाय को दोहना। तो ये क्या है, चलिए पढ़ते हैं। ये एक नाटक है। एतत् नाट्यांश चतुर्व्यूह इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपाद्य च उद्धृतम्। ये जो नाटक है वह चतुर्भुक इति पुस्तक से संक्षिप्त से संपादित किया गया है या उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृश्य जनस्य कथाकम् अस्ति यह धनवान सुखा काखी च भवितुम इच्छुकः मास पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव बिरमंती। इस कथा के अंतर्गत एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जो धनवान होना चाहता है और सुखी होना चाहता है, और धनवान होने की इच्छा रखता है, तो वह क्या करता है, मास पर्यंत महीने के अंत में दुग्ध दोहने का जो कार्य है वह बिरमंती रोक देता है। येन मास अंते धेनु शरीरे संचितम पर्याप्त दुग्धम एक बार मेव विक्रियम संपत्तिर जयतुम समर्था भवे। वो यह सोचता है कि मास के अंत में धेनु के शरीर में पर्याप्त दुग्धम जो है संचित हो जाएगा, तो एक बार में ही वो क्या कर लेगा, उसको बिक्री यानी बेचने के लिए निकाल लेगा। जब वो बेचने के लिए दूध निकालेगा तो वो क्या हो जाएगा, जब वो बेचेगा तो उससे उसको क्या हो जाएगा, संपत्ति यानी धन अर्जित होगा और फिर वो समर्थ हो जाएगा यानी धनवान हो जाएगा। परम मासंते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपीना प्राप्त होती। परंतु क्या होता है, मास के अंत में दुग्ध दोहन का जब वो कार्य करता है तो सा तदा दुग्ध बिंदु एक बूंद भी उसको दूध प्राप्त अपीना प्राप्त होती, एक भी बूंद दूध का प्राप्त उसको नहीं होता। दग्धम प्राप्ति स्थाने सह धैनो प्रहाय रक्त रंजितम भवती, और दूध के दोहने वाले जो स्थान पर वह गाय के प्रहार से रक्त रंजित ने खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति चायत दैनंदिनम कार्य यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानि भवति। यदि रोज के करने वाले प्रतिदिन के करने वाले कार्य को यदि हम महीने के अंत में संग्रहित करते हैं तो क्या होता है, लाभ के स्थान पर हानि होती है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये था गोदोहनम। इसका जो संक्षिप्त परिचय था आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति गाय का दोहन कर रहा है, दूध दोह रहा है। तो आज का हमारा जो पाठ है बच्चों वह है गोदोहनम यानी गाय को दोहना। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं हम। चूंकि ये नाटक है तो ये हम इसका प्रथम दृश्यम पढ़ेंगे। कौन सा दृश्यम पढ़ेंगे, प्रथम। ये कितने दृश्यों का है, ये पांच दृश्यों का नाटक है। इसलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रथम दृश्यम। बहुत ध्यान से हमारे साथ में बच्चों आप लोग समझते जाइए, उच्चारण करते जाइए और सीखते भी जाइए, क्योंकि जो प्रश्न उत्तर होते हैं वह पाठ के अंदर ही होते हैं, पाठ के अंतर्गत ही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रथम दृश्यम। जैसा पहला दृश्य आपने देखा होगा रंगमंच पे, जैसे ही कोई आते हैं प्रस्तुतिकरण में जो भी नायक नायिका होते हैं तो वो कैसे होते, मंच पर आते हैं ना, तो ये हो गया प्रथम दृश्यम। आप समझ लीजिए कि मंच पर उपस्थित हैं और ये नाटक चल रहा है। मल्लिका मोदकानी रचयंती मंद स्वरिणीम शिव स्तुति करोती। जो यहाँ पर मल्लिका है वह मोदकानी लड्डू बना रही है और मंद स्वर में शिव भगवान की स्तुति भी कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदना। तभी प्रवेश करता है और लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन जो है वह प्रवेश करता है। चंदना, आह सुगंधस्तु मनोहर बिलोक आय मोदकानी रचयन्ते। आहा, बहुत ही सुंदर सुगंध आ रही है देख करके, मोदक अच्छा लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रसन्न होता। आस्वादयामि तावत, ठीक है मैं इनको खाऊंगा ग्रहण करूंगा। मोदकम गृहत मिक्षति, उसकी मोदक ग्रहण करने की इच्छा होती है। मल्लिका सकृदम विरम विरम स्पर्श एतानी मोदकानी, अरे रुको रुको अभी ये लड्डू को स्पर्श मत करो। चंदना किमर्थ क्रोधस्य, अरे क्यों क्रोधित हो रही हो। तब हर्ष निर्मिता आनी मोदकानी दृष्टवा अहम जिभ्या लोलुपता नियंत्रम अक्षमा। अरे क्या तुमको पता नहीं कि तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देख करके जिभ्य लोलुप
बिलोलुपता मैंने जीभ में पानी आना, नियंत्रित ना होना। जैसे हम कहते हैं ना यार बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे खाने में स्वादिष्ट है, अब तो रहा नहीं जा रहा। ऐसे ही चंदन से मोदक को देखकर रहा नहीं जा रहा था। अस्मिन किम जाना सित्वा में, क्या तुम नहीं जानती हो कि मुझे अच्छा लगता है मोदक। मल्लिका सम्यक जनामिनात, जानती हूँ स्वामी, परमितानि मोदकानि पूजत निमित्तानि सन्ति। परंतु ये जो मोदक हैं वह पूजा के निमित्त से बनाए जा रहे हैं, पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं। चंदन तहर शीघ्र में पूजन संपादम प्रसादम चा देहि। ठीक है, शीघ्रता से पूजा करो और फिर मुझे प्रसाद दो। मल्लिका भो, ठीक, अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अहम सखी भी स्वा सह स्वा प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। अरे हम सब सखियों के साथ सुबह प्रातः काल काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। तत्र गंगा स्नान, वहाँ गंगा स्नान करेंगे। धर्म यात्रा वरम करिष्यामि, और वहीं पर तीर्थ यात्रा भी करेंगे। चंदना सखी भी सह, ना मया सह, सखियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, ऐसा दुख भरा नाटक करता है। मल्लिका आम सही है। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला दया सर्वा गच्छन्ति, हमारे साथ ये इतनी सखियां भी जाएंगी, हम सब जाएंगे। अतः मया सह तवागमस्यस्य औचित्यम नास्ति। अच्छा, क्या तुम्हारा फिर हम जब सखियों के साथ जाएंगे तो मेरे साथ तुम्हारा वहां पर आना अच्छा नहीं है, औचित्य नास्ति, है औचित्य नहीं है, सही नहीं है। वयम सप्ताहन्ते प्रति गमिष्यामः तावत ग्रह व्यवस्था, जब तक हम वहां पर जाएंगे सप्ताह के अंत में ही हम वापस आएंगे, तब तक आप ग्रह व्यवस्था देखना। धैनु दुग्ध दोहनम व्यवस्थान च परिपालन, तब तक तुम धैनु के दोहने की व्यवस्था का परिपालन करना। ये था बेटा प्रथम दृश्य का, जो मैंने आपको इसका पूरा अनुवाद समझाया। चलिए इसका द्वितीय दृश्य हम देखते हैं। द्वितीय दृश्य के अंतर्गत चंदना अस्तु गच्छ सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदता च। ठीक है, जाओ सखियों के साथ तुम्हारी धर्म यात्रा का आनंद उठाओ। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, हम सब चीजों का पालन करेंगे। शिवास्ते संतु पंथाना, भगवान कल्याणकारी होते हैं, शिव कल्याणकारी होते हैं, इसलिए तुम्हारी जो यात्रा हो वो कैसी हो, कल्याणकारी हो, तुम्हारा पथ कल्याणकारी हो। चंदना मल्लिका तो धर्म यात्रा गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा पर चली गई। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रात राशस्य प्रबंधम करिष्यामि, अब मैं दूध दोहने का कार्य और सुबह के नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदन्याया समीपम गच्छति। तो जो चंदन था उसने क्या भेष बनाया, स्त्री का भेष बनाया और दूध का पात्र हाथ में लिया और उसकी गाय का नाम क्या था, चंदन की नंदिनी, नंदिनी के समीप चला गया। उमा मातुलानी, मातुलानी जो उमा है उसकी भांजी है, उसने क्या बोला, मातुलानी, अरे मामी मामी, मातुलानी बोलते हैं मामी को संस्कृत में और मातुला बोलते हैं मामा को। चंदना उमे अहम तू मातुला, अरे मैं तुम्हारी मामी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा मातुला है अर्थात मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थ काशी गतास्ति, तुम्हारी जो मामी है वह गंगा स्नान करने के लिए काशी गई है। कतः किमते प्रिय करवाणी, बताओ मैं तुम कहो मैं तुम्हारे कौन सा प्रिय तुमको अच्छा लगने वाला कार्य करूं। उमा मातुला है मामा पितामह कथयति, पितामह यानी दादाजी ने कहा है मासांतरम अस्मत ग्रहे महोत्सव भविष्यति, मास के अंत में हमारे मतलब जो घर में क्या होगा, एक महोत्सव होगा। तत्र त्रिशत शेटमितम दुग्धम अपेक्षति, तब वहां पर 300, त्रिशत माने 300 सेट का लीटर, 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ये व्यवस्था भवत भी करनी है, ये व्यवस्था आपको करनी है। चंदन प्रसन्न मना, बहुत प्रसन्न मना, त्रिशत सेटक परिमितम दुग्ध, 300 लीटर दूध शोभनम, बहुत अच्छा दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामह प्रतीत्वा वक्तम, ठीक है हो जाएगी, ऐसा आप पितामह से जा करके कह देना। उमा धन्यवाद मातुला, धन्यवाद मामा, याम धुना सा निर्गता, अब मैं जाऊंगी, ऐसा कह करके वो चली जाती है। तृतीय दृश्य, चलिए इसका तीसरा दृश्य देखते हैं। बच्चों जैसे कि मैंने आपको दो दृश्यों में पढ़ाया कि इसमें कौन कौन है, चंदन है, मल्लिका है और अभी जो उमा है, और गाय का नाम क्या है, नंदिनी, और हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, गोदोहना। तीसरी दृश्यम चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुली अंगुलीषु गणयन, बहुत प्रसन्न मन से वो उंगलियों में क्या करने लगता, गणना, अहो सेठ त्रिशत कानी पायासी,
300 लीटर दूध अनेक। जैसे कि मैंने आपको बताया तृतीय दिश्यम के अंतर्गत चंदन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, अंगुलियों पर गणना करने लगता है, अहो सेठ कम त्रिशत कानी पैसे, आ हा 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 300 लीटर दूध दे मतलब उसका जाएगा गाय को, अब वो देगा तो उससे क्या होगा, उसको अनिल बहु धनम लप, उसको बहुत सारा धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, वो किसकी तरफ देखता है, अपनी नंदिनी गाय की तरफ देखता है और क्या कहता है, भो नंदिनी हे नंदिनी तब कृपया तू अहम धन का भविष्य, तुम्हारी ही कृपा से मैं क्या बन जाऊंगा, धनमान बन जाऊंगा। प्रसन्न साधेनो बहु सेवाम करोति, वह प्रसन्न मन से गाय की सेवा करता है। चंदना चिंत्यति मासंते एव दुग्धस्य आवश्यकतावती, थोड़ा सा चिंता करता है चंदन, थोड़ा सोच विचार करता है कि मास के अंत में दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रतिदिन गाय को दूंगा तो क्या होगा, दुग्धम सुरक्षित न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं होगा। इदानीम किन कर वाणी, मैं क्या करूँ, भवतु वा संते एव संपूर्णतया दुग्धोहनम करूँ, ठीक है मैं ऐसा करता हूँ कि मास के अंत में मैं पूरा दूध का दोहन करता हूँ। एव क्रमेण सप्त सप्तिदानानि व्यतीत नातानि, जब एक सप्ताह का समय व्यतीत हो गया तो सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, मल्लिका आ गई, मल्लिका प्रविश्य स्वामिना प्रत्यागता, मैं आ गई, अस्वादय प्रसादम, ये प्रसाद खाओ। चंदन मोदकानी खादति बदति च, चंदन मोदक को खाता है और बोलता है, चंदन मल्लिके तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो भी सब अच्छी सफल हुई, और काशी विश्वनाथस्य कृपा प्रियम निवेदयामि, और काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं तुमको एक अच्छी खबर सुनाता। मल्लिका आश्चर्य साश्चर्यम, बहुत आश्चर्य एवं हरि, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और कौन सी प्रियतम के मैंने, और कौन सी ऐसी प्रिय अच्छी वाली बात मधुर बात हो सकती है। चंदना ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मास अंते भविष्यति, गांव के गांव प्रमुख से गांव के मुखिया, महोत्सव यानी कोई उत्सव, गांव के मुखिया के घर में मास के अंत में एक महोत्सव है। तत्र तिशत शेटे कमितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, तो क्या होना है, वहां पर 300 लीटर दूध की आवश्यकता है, वहां पर दूध देना है। मल्लिका किंतु एवा एतान वन मात्रम दुग्धम कुत्र प्राप्स्यामः, अरे बापरे इतना सारा दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदना विचार यह मल्लिके विचार करो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थाप्य चेत न तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, प्रतिदिन यदि हम दूध का दोहन करेंगे तो उसको हम सुरक्षित नहीं हो रह पाएगा। अतएव दुग्ध दोहनम न कृते, हम दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावा, मतलब जब जिस दिन उत्सव होगा उसी दिन हम पूरे दूध का दोहन करेंगे। मल्लिका स्वामिन त्वं तुम चतुर्तमः, अरे वाह आप तो बहुत चतुर हैं, अत्युत्तम विचार है, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या, तब उन्होंने क्या किया, दुग्ध दोहने का कार्य नहीं किया, केवल क्या किया उन्होंने, नंदना सेवायाम एव करिष्या, दोनों ही न ही क्या करने लगे, नंदिनी गाय की सेवा करने लगे। अनेन अधिकाधिक दुग्धम मासंते प्रवस्या, ताकि दूध मास के अंत में अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। द्वादेव धेनो सेवायाम निरतौ भवता, दोनों गाय की सेवा करने लगे और उसको क्या करने लगे, इसी क्रम में घास आदिकम गुड़ादिकम च भोजन, उसको भोजन मतलब जो गाय का है उसको चारा और गुड़ आदि खिलाने लगे। कदाचित विषाणयो तैलम लेप्यता, और उसके जो सींग होते हैं ना गाय के उसमें तेल वगैरह लगाने लगे। तिलकम धारयता, उसको तिलक लगाने लगे। रात्रि नीरा जने नापि तोष्यता, और रात्रि में उसको पूजा आरती भी करने लगे। चंदना क्या कहता है, मल्लिके आगछाओ कुंभकारम प्रति चलापन को, कुंभकार के यहाँ जान, कुंभकार माने घड़ा बनाने वाला। दुग्ध पात्रम पात्र प्रबंधु अपि दुग्धार्थम पात्र प्रबंधु अपि करनी है, दूध के लिए पात्र का प्रबंध करना है। द्वादेव निर्गतव, ऐसा कहकर दोनों निकल जाते। यहाँ पर आपका तृतीय दृश्यम का जो नाटक है वहाँ यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए इसके बाद है चतुर्थ दृश्यम कुंभकार घट रचनायाम लीना गायती, जो कुंभकार है वो अपने घड़े बनाने में लीन है और गाना भी गा रहा है, और उसने वो क्या बोला, ज्ञात्वापि जीव का हितो रचयामि घटानाहं
जीवनम भंगुरम सर्वम यथे स्मृति का घटा। चतुर्थ दृश्यम कुंभकार है घट रचनायाम लीना गायते। जो कुंभकार है यहाँ पर वो अपने घड़े बनाने घट रचनाने बनाना इतना लीन है और गा भी रहा है। और क्या बोल रहा है, ज्ञात्वापि जीविका हेतु तो रचयामि घटना नाम जीवनम भंगुरम सर्वम यथे स्मृति का घटा। ये श्लोक का जो अर्थ है जो चतुर्दृश्यम है ये मैं आपको कल समझाऊंगी बच्चों। तब तक आपको जो मैंने आपको प्रथम द्वितीय और तृतीय जो इसके दृश्य समझाए हैं उनको आप उनके अर्थों को समझिए, क्योंकि जो प्रश्न उत्तर हैं और जो पाठ में जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में एग्जाम में टेस्ट में वो इसी के होते हैं। इसलिए बेटा इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए और कल अगली क्लास में हम इसको आगे का पूरा समझाएंगे, इसके प्रश्न उत्तर भी आपको समझाएंगे। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।